ज्ञानवापी मामले में विपक्ष के बयानों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की। बर्फबारी से गुलजार हुए पहाड़, कुदरत ने बिछाई सफेद चादर, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हिम वर्षा। वाराणसी में ज्ञानवापी के तहखाने में झांकी दर्शन शुरू, बाहर से श्रद्धालु कर रहे तहखाने के दर्शन। जन्मतिथि विवाद को लेकर अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 1 जनवरी 1993 को सही तिथि माना। अब्दुल्ला बता रहे थे 1 जनवरी 1990 को सही। अंतरिम बजट पर व्यापारियों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, महिलाएं भी खुश। कानपुर में व्यापारियों ने बजट को बताया संतुलित। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ा बजट, पीएम आवास से 3 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री। दिल्ली में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, लगाया जाएगा सबसे बड़ा पंडाल, भक्तों को नहीं होगी परेशानी। उत्तराखंड में बढ़ी हिम तेंदुओं की संख्या, सर्वे रिपोर्ट में संख्या बढ़ने की कही बात। बजट पेश होने के बाद पीएम मोदी का संबोधन, बोले इस बजट में गरीब और मध्यम परिवार के लिए आय के अवसर बनाने पर दिया गया जोर। वाराणसी के संतों और आम लोगों ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, व्यास जी तहखाना में पूजा करने की इजाजत से काफी खुश नजर आए लोग। लखनऊ पहुंचे सीएम योगी, विधान भवन में टंडन हॉल के नवीनीकरण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। झारखंड के विधायकों को हैदराबाद किया जा रहा शिफ्ट, रांची में सर्किट हाउस से बस निकली। यूक्रेन की सर्दियों में बर्फबारी के बीच यूरोपीय संघ ने की पैसों की बारिश, जलेगसी की सेना को दिया गया बड़ा पैकेज। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से भी लगा इमरान खान को झटका, पूर्व पीएम की याचिका पर आया आदेश। अक्षय कुमार ने फैंस को दिया जबरदस्त मीम मटेरियल, फोटो देखकर घूम जाएगा दिमाग। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहें यूथ न्यूज ऑनलाइन के साथ।